नगर निगम में जन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा। निगम कर्मचारी ने ही बोली विभाग की पोल। सीएम हेडलाइन पर शिकायतें कम करने की शासन की कोशिशें नाकाम। मध्य प्रदेश सरकार के दावों के अनुसार शासन की ये कोशिश रहती है कि आमजन को होने वाली समस्याओं का निराकरण प्रथम स्तर पर ही हो, साथ ही मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। लेकिन ग्वालियर नगर निगम के जिम्मेदार अपनी लापरवाही से बाज नहीं आते। मामला नगर निगम के वार्ड क्रमांक 43 का है, जहां सुभाष वाडा मोहल्ले में चैम्बर का ढक्कन न होने की शिकायत लगातार की जा रही है। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी नगर निगम द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया गया, जिसके चलते क्षेत्रीय निवासी गंदगी और असुरक्षा के माहौल में रहने के लिए मजबूर हैं। मीडिया द्वारा जब मामले की जानकारी क्षेत्र के WHO से ली गई, तब WHO ने सीवर सेल के कर्मचारी राजेश बागड़ी का नंबर देते हुए उनसे बात करने के लिए कहा, लेकिन राजेश बागड़ी अपने ही विभाग की पोल खोलते हुए सुनाई दिए। ऑडियो में निगम कर्मचारी द्वारा कही गई बातें कहीं ना कहीं स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाती हैं। ग्वालियर से संवाददाता अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? सुभाष वाला कौन सा है? 43। ये अभी यहाँ पे किस तरीके की समस्या जो बताई जा रही है, काफी समय से आ रही है, चैम्बर के ढक्कन टूटे हुए। ये चैम्बर का लोहे का चैम्बर था, यहाँ से उठा लिया गया कई दिन पहले। कितना दिन? मतलब महीने करीब हो गया। हाँ, लगभग 15 दिन से अधिक टाइम हो गया। ठीक है, तो नगर निगम में कंप्लेंट की आपने पहले? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा तो ये थाने में वो करो, तो बता रही थी वो थाने में रिपोर्ट सर चोरी हो गया ये चैम्बर। ठीक है, क्या क्या कहना है आपका? ये नगर निगम का जो चैम्बर का ढक्कन टूटा हुआ है और बदला नहीं गया है, तो ये कितने समय से खुला पड़ा है? ये 1.5 महीना हो गया है समथिंग, इसको इन्हें लगवाया जाए। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? गाड़ी वाली प्रॉब्लम आती है एंड साइकिल वगैरह भी, सभी चीजों को, बच्चों को भी प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं गिर जाएं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनकी भी प्रॉब्लम है, बच्चे निकलने से गिर जाएं, अगर चोट लगती है या कुछ होती है तो बुरी वो होती है दुर्घटनाएं। वार्ड में आप निवास करते हैं? वार्ड 43। 43 क्या समस्या है यहाँ पे चैम्बर और रोड को लेकर के? रोड को लेकर के तो बहुत समस्या है यहाँ पे, ये नली इतनी खुदी हुई है, हमने बहुत बार शिकायत भी करी है नगर निगम में, पार्षद भी खुद आके देख के गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है नगर निगम और पार्षद के द्वारा। चैम्बर का ढक्कन जो टूटा हुआ है यहाँ काफी समय से, उसको लेकर किस तरह की परेशानियों का सामना करना है? बहुत तरह की परेशानियां आती है यहाँ पे, गाड़ी निकालते हैं हम लोग तो बहुत दिक्कत आती है, गाड़ियां नहीं निकलती, गाड़ियों के गिरने का डर रहता है, हम लोगों के गिरने का डर रहता है, तो बहुत दिक्कत, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया इसको चोरी हुए हुए, लेकिन वो कोई मतलब बात सुनता ही नहीं है। जी राजेश जी नमस्कार, मैं पत्रकार अंशुल मित्तल बात कर रहा हूँ दैनिक समय जगत से। जी बोलिए। अभी WHO है 43 नंबर वार्ड के जो अपने कमल जी, हाँ जी, उनसे बात हुई थी मेरी। हाँ जी। 43 नंबर वार्ड में घोसीवाड़ा पड़ता है अंदर जो मोहल्ला है एक, हाँ, यहाँ पे चैम्बर की समस्या को लेकर, चैम्बर की पे ढक्कन नहीं है तकरीबन 1.5 महीना हो गया, यहाँ के रहवासी सभी लोग शिकायत कर रहे हैं। अब तो एक काम करो भाई साहब, मेरी बात सुनो आप जी, क्या है कि अभी ठेकेदार है ना, ढक्कन है ना, वही लगा रहे हैं, हेल्पलाइन होती है, तो आप 181 लगा दो। अच्छा, 181 लगा दोगे तो हो सके तो आपके वहाँ कल ही ढक्कन लग जाए, और हम अपने तरीके से चलेंगे ना, वो कल ये कहेंगे कि हमारे घर ढक्कन नहीं है, लेबर नहीं है, वो नहीं है, तो वो 1-2 महीने ऐसे टाल लेंगे वो, क्योंकि हमारे खुद काम अभी पेंटिंग में डले, और उससे पहले भी हेल्पलाइन लगवा दी थी मैंने एक से, तो उसको दूसरे दिन ही लग गया। अच्छा, तो 181 पे गए थे साहब, हमारे में चैम्बर टूटा है, और कई दफे नगर निगम में गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और आए दिन लोग बाग गिर रहे हैं, तो कल के कल ही लग जाएगा। नाली वाली सब फूटी पड़ी है भाई साहब, इतनी बुरी स्थिति वो सब पूरा 181 कर जाएंगे, वो पूरा सही कर जाएंगे, दोनों की पूरी गाड़ी आती है, लेबर आती है, ईटे बजरी सीमेंट ढक्कन सब लेके आती है वो। चलिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, और एक नंबर और दे रहा हूँ मैं, जो ठेकेदार है नवीन, ठीक है, अगर हो सके तो उससे डायरेक्ट लग जाएगा। बोलो नंबर, बोल दो आप, एक मिनट में निकाल के आपको देता हूँ नंबर, ठीक है जी।